बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे में अभी उनको समय दीजिए, काम करने दीजिए। आप अभी से अभी वो मतलब ताजा ताजा हमारे गठबंधन के साथ वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो काफी दिन से थे, ऐसे में आप भाजपा प्रायोजित एक प्रश्न के प्रधानमंत्री का चुनाव 2024 में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी आज पटना पहुंचे। पटना पहुंचते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब मीडियाकर्मियों ने उनसे पूछा कि जो मौजूदा बिहार में राजनीति चल रही है, कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट है, इसी पर उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अभी बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार में अच्छा काम करेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, पहले सुनिए उनकी बातों को। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे में अभी उनको समय दीजिए, काम करने दीजिए। आप अभी से अभी वो मतलब ताजा ताजा हमारे गठबंधन के साथ वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो काफी दिन से थे, ऐसे में आप भाजपा प्रायोजित एक प्रश्न के प्रधानमंत्री का चुनाव 2024 में होगा। उनका चेहरा बहुत अच्छा है, हम उससे इनकार थोड़ी कर रहे हैं। हमारा और उनका दोनों का जो संयुक्त उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाना, और उसमें विपक्ष तय कर लेगा। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार बिहार आया हूं, उद्देश्य जो है वो आज भारत जोड़ो को लेकर के पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 30 जगहों पर, 30 मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी आज भारत जोड़ो से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल हमने रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी महारैली की है और मौजूदा केंद्र की सरकार के जरिए जो देश को महंगाई परोसी गई है, जबकि वादा यह किया गया था कि महंगाई हटाई जाएगी, बहुत हुआ महंगाई के पे मार, अब की बार मोदी सरकार जैसे झूठे नारे देकर के सत्ता में आने वाली भाजपा की सरकार ने इस देश को तोहफे में सिर्फ और सिर्फ महंगाई दी, तो उसके खिलाफ कल हमने एक बहुत बड़ी रैली की। जो आर्थिक असमानता बढ़ी है देश में, उसके खिलाफ हमने एक बहुत बड़ी महारैली की और बड़ी सफल रैली रही। आप मीडिया के तमाम साथियों को ये बात पता भी है कि कल की रैली बहुत कामयाब रैली थी। हमने विगत 5 अगस्त को भी महंगाई के खिलाफ बिगुल फूंका था, सदन से लेकर के सड़क तक हम सारे लोगों ने, हमारे सारे सांसदों ने गिरफ्तारियां दी थी, मैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी समेत। हम लगातार जनता के बुनियादी मुद्दों पर प्रश्न उठा रहे हैं। अब हमारा 7 सितंबर से एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से शुरू होकर के ये यात्रा कश्मीर में जाकर के समाप्त होगी। इस यात्रा का नाम हमने दिया है भारत जोड़ो यात्रा। भारत के 12 प्रदेशों से और 2 केंद्र शासित राज्यों से, यानी कि टोटल 14 राज्य आप कह सकते हैं, गुजरेगी ये यात्रा। 3570 किलोमीटर की यात्रा है जिसमें राहुल गांधी जी स्वयं 3570 किलोमीटर पैदल चलेंगे और देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से, अलग अलग तहजीब, अलग अलग कल्चर सबसे संवाद करेंगे राहुल गांधी जी। कल राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि एक ऐसा समय जब स्वतंत्र जो संस्थान है देश के, उनको कहीं ना कहीं कब्जे में लेने का प्रयास चल रहा है केंद्र सरकार के जरिए, उन पे दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि हम जनता के बीच में जाएं, क्योंकि विपक्ष की आवाज, विपक्ष का सच वो देश के सामने नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। सदन में भी आप सबने देखा होगा कि जब सत्र चल रहा था तो हमने महंगाई पे बहुत बात करने का प्रयास किया, लेकिन हर दिन सदन स्थगित कर दिया जाता था और बात नहीं करने दी जाती थी। तो हमारे पास ये एक माध्यम है कि हम लोगों के बीच में जाएं, और एक ऐतिहासिक यात्रा राहुल गांधी जी ने प्लान की, कांग्रेस पार्टी ने प्लान की है, उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो मैं आज उसी विषय में आप सबसे बात करने आया। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है और ये यात्रा प्रतिदिन 25 किलोमीटर चलेगी, तकरीबन 150 दिन की यात्रा है ये, और इस 150 दिन में राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्धारित किया है 3
कैटेगरी बनाई है, 100 यात्री हैं जो भारत यात्री के तौर पे जिन्हें रखा गया है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे। दूसरी जो हमने कैटेगरी बनाई है वो राज्य अतिथि की हमने बनाई है, राज्य अतिथि यात्री, यानी कि जिन जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी वहां से 100 यात्री उस यात्रा में और जोड़े जाएंगे, और 100 यात्री और अन्य प्रदेशों से जहां से यात्रा नहीं गुजर रही है उन राज्यों के 100 यात्री चिन्हित करके, चयनित करके टोटल 300 यात्रियों के एक साथ चलने की व्यवस्था है। उसकी पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। प्रतिदिन 25 किलोमीटर चलने वाली इस यात्रा के बीच में राहुल गांधी जी जगह जगह रुकेंगे, चौपाल लगाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, उन्हें बताएंगे कि मौजूदा केंद्र की सरकार ने किस तरह से आर्थिक असमानता थोपी है इस देश में, नफरत थोपी है, जो दो सबसे नुकसानदेह चीज इस देश के लिए हुई है, समाज के लिए हुई है, कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगातार समाजों के बीच में, वर्गों के बीच में, धर्मों के बीच में खाई पैदा करने का काम किया ताकि आप बुनियादी प्रश्न उनसे न पूछ। आटा चावल दूध दही छाछ पनीर, यहां तक कि बच्चों के पेंसिल तक, रसोई गैस, रसोई का तेल, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन मीडिया ने ऐसा नैरेटिव बनाया हुआ है कि जनता प्रश्न तक नहीं पूछ पाती सरकार से कि आपके जो नारे थे उन नारों का क्या हुआ, उन अच्छे दिनों का क्या हुआ जिनका आप वादा कर रहे थे। अमीर निरंतर अमीर होता जा रहा है, गरीब निरंतर गरीब होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो ये है कि हम समाजों को जोड़ें, भारत को जोड़ें, 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजर करके जब ये यात्रा कश्मीर पहुंचेगी तो पूरा देश देखेगा कि माहौल बदला हुआ है, और पूरे देश में भाजपा ने सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, अपने कैंपेन के जरिए जो नफरत और जो ध्रुवीकरण का खेल खेला है उसे बहुत हद तक हम समाप्त कर चुके होंगे। इस प्रयास के साथ कांग्रेस पार्टी इस यात्रा पर निकल रही है। उद्देश्य मैंने आपसे साझा कर दिए हैं, 25 किलोमीटर प्रतिदिन यह यात्रा चलेगी, और इस यात्रा के दौरान सबसे पहले हम तमिलनाडु से, यानी कि कन्याकुमारी से एक छोर से शुरू कर रहे हैं, तमिलनाडु के बाद यह यात्रा केरल पहुंचेगी, केरल के बाद यह यात्रा कर्नाटक पहुंचेगी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचेगी, आंध्र प्रदेश से फिर यह तेलंगाना पहुंचेगी, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान। तो आपने साफ तौर पर सुना, इमरान प्रताप गढ़ी ने साफ तौर पर कहा है कि वो बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार में अच्छा काम करेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।